नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है ऑटो रूम की आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं पांच टॉप ऐसी बाइक्स की जो कि सबसे बेहतरीन माइलेज देती है। माइलेज या कई लोग एवरेज कहते हैं, कई लोग फ्यूल कंजप्शन कहते हैं, कई लोग फ्यूल इकोनॉमी कहते हैं। तो कौन सी ऐसी पांच बाइक्स है जो कम्यूटर सेगमेंट की है? डेफिनेटली मतलब ज़्यादा माइलेज देने वाली गाड़ियाँ जो है कम्यूटर सेगमेंट की होती है, जिन्हें लाइफ में यूज़ कर सकते हैं हम। तो कौन सी पांच बाइक्स है जो सबसे ज़्यादा माइलेज आपको देगी? ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तो जितनी भी गाड़ियों की मैं बात करूंगा वो रियल लाइफ माइलेज की, और कंपनी जो क्लेम कर रही है उसकी बात नहीं करते। कंपनी तो कई बार 100 किलोमीटर पर लीटर क्लेम कर देती है, लेकिन इन जो भी बाइक्स मैं बताने वाला हूँ उनको एक्चुअल में मैंने टेस्ट किया है, या मेरे किसी खास दोस्त या किसी दोस्त के फादर वगैरह रखते हैं, और उस हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली बाइक्स कौन सी होंगी। सबसे पहले सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली बाइक है बजाज की प्लेटिना। बजाज की प्लेटिना एक लंबे अरसे से बाइक बनी रही है जो कि सबसे ज़्यादा माइलेज देती है। कारण कई हो सकते हैं, चाहे उसका एरोडायनामिक्स हो, चाहे उसका कम वेट हो, चाहे उसका बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंट इंजन हो। प्लेटिना में भले ही ओवर लॉन्ग टर्म में उतने ज़्यादा खुश यूजर्स नहीं रहे होंगे, कई लोगों को इंजन से रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन डेफिनेटली माइलेज के मामले में प्लेटिना ही सबसे बेहतरीन माइलेज देती है। इवन कई लोग 80 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की माइलेज क्लेम करते हैं। हालांकि मैंने जब भी प्लेटिना को चलाया है मतलब जयपुर जैसी सिटी में और कुछ और मेरे होम टाउन वगैरह में, तो मुझे क्लोज टू 75-75 के आसपास का माइलेज मुझे बजाज प्लेटिना से मिला है। तो बजाज प्लेटिना सबसे बेहतरीन माइलेज देने वाली बाइक आप कह सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो बाइक है वो है बजाज की ही CT100। बजाज की CT100 जो है वो लगभग बजाज प्लेटिना जितना ही माइलेज दे देती है, लेकिन इसको मैंने सेकंड नंबर पे इसलिए रखा क्योंकि प्लेटिना के मुकाबले इसके इंजन में थोड़ी सी कम पावर महसूस होती है, थोड़ा सा कम रिफाइनमेंट महसूस होता है, यानी कि उतना बेहतरीन नहीं लगता है। हालांकि बजाज प्लेटिना जहां एक और 47,000 से लेकर 50,000 तक की पड़ती है, वहीं CT100 जो है वो आपको पड़ेगी सिर्फ 34,000 से लेकर 40,000 एक्स शोरूम के आसपास, यानी कि ऑन रोड आते आते लगभग 40,000। तो CT100 डेफिनेटली काफी सस्ती पड़ी अगर आपका बजट कम है, सबसे कम है मतलब, तो एंट्री लेवल स्टार्टिंग में ही सबसे बेहतरीन बाइक जो है वो आपके लिए CT100 होने वाली है। ये भी आपको प्लेटिना जितना ही रियल लाइफ में 75 के आसपास का माइलेज दे देगी। उसके बाद तीसरी बाइक जो है वो इस पूरे पांचों बाइक्स में सबसे बेहतरीन बाइक्स होगी अगर आपका बजट भी लिमिटेड है और आपको एक अच्छी गाड़ी भी चाहिए जिसका इंजन भी अच्छा हो और जिसके बाकी मतलब जो ओनर्स जिसके ज़्यादा खुश रहे हों, वो है TVS की स्पोर्ट। जी हाँ, TVS की स्पोर्ट जो है वो लगभग अगर 75 तो नहीं दे पाएगी बजाज प्लेटिना वगैरह इतनी, लेकिन 70 से लेके 72 के आसपास का माइलेज उसके यूजर्स ने क्लेम किया है। और TVS स्पोर्ट्स का इंजन भी जो है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है, मतलब कोई भी खास कमी कमजोरी उसमें देखने को नहीं मिली है, अच्छा इंजन रहा है, अच्छा इनिशियल पिकअप जो है वो भी उसमें कम फील नहीं होता है, अच्छी पावर मिलती है स्टार्टिंग में। तो TVS स्पोर्ट वो बाइक है जो आप खरीद सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका बजट भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये भी लगभग 37,000 से शुरू होकर, हालांकि इसका टॉप मॉडल जो है वो 47,000 से 48,000 का आता है, 3 वेरियंट्स आ जाते हैं उसमें, स्पोक इलेक्ट्रिक अलॉय वगैरह वगैरह करके। तो आपको अगर बेहतरीन पैकेज चाहिए जिसमें माइलेज भी चाहिए तो आप डेफिनेटली TVS स्पोर्ट खरीद सकते हैं। उसके बाद चौथी बाइक फिर से TVS की ही है, TVS की स्टार सिटी प्लस। पहले ये स्टार सिटी हुआ करती थी, फिर स्टार सिटी की डीलक्स DLX या ऐसा कुछ नाम हुआ, फिर स्टार सिटी प्लस हो गया। तो TVS की स्टार सिटी प्लस जो है वो एक 110cc की बाइक है, यानी कि इन सारी बाइक्स के मुकाबले अच्छी है, थोड़ी बेहतरीन पावर है। 110cc की इस बाइक में माइलेज जो है वो डेफिनेटली अच्छा निकलता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है स्टार सिटी प्लस के साथ में, और स्टार सिटी प्लस जो है 65 से लेके 70 तक का माइलेज निकालती है। जब मेरे फादर चलाते हैं तो क्लोज टू 70-70 के आसपास निकाल देते हैं, और जब मैं चलाता हूं तो लगभग 65-68 ऐसा निकलता है। थोड़ा डिपेंड करता है आप गाड़ी किस स्पीड पे चला रहे हो, मेरी गाड़ी जो है 70 के आसपास चलती है, मेरे फादर 60 के आसपास चलाते हैं, और सडन एक्सेलरेशन नहीं करना होता गाड़ी में, एकदम से रेस नहीं देनी होती है। तो ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें तो आप भी ये माइलेज अचीव कर सकते हैं 70 के आसपास का स्टार सिटी प्लस से भी। उसके बाद में पांचवी पोजीशन जो है वो मुझे दो गाड़ियों को देनी पड़ी, दो बाइक्स को देनी पड़ी, क्योंकि दोनों ही बाइक्स के साथ मेरा उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा कि मैं देख पाऊँ कि कौन से दरअसल ज़्यादा माइलेज देती है, और जो यूज़र्स ने जिन्होंने यूज़ की हुई है, कस्टमर्स ने क्लेम किया, वो लगभग माइलेज सेम आ रहा था। पहली बाइक तो हो गई HF डीलक हीरो की, और दूसरी हो गई होंडा की ड्रीम नियो। दोनों गाड़ियां जो है उसमें आपके पास ड्रीम नियो जो है वो लगभग कॉस्ट करती है आपको 51,000 के आसपास, 51,000 के आसपास, HF डीलक जो है 47,000 के आसपास आपको पड़ती है, और दोनों ही गाड़ियां जो है लगभग 65 के आसपास का माइलेज आपको दे देंगी। तो उस सिचुएशन में दोनों गाड़ियों को आप जिसकी प्रेफरेंस, जिसको हीरो की तरफ जाना है जो कि बेहतर रीसेल वैल्यू दे सकती है वो हीरो ले ले, जिसको होंडा की तरफ जाना है जो कि थोड़ा बेहतर आपको रिफाइंड इंजन मिल जाएगा, अच्छी हैंडलिंग भी है ड्रीम नियो की, तो
वो लोग ड्रीमियो ले सकते हैं। तो ये टॉप फाइव गाड़ियां रही, बाइक्स रही, जो कि अच्छा बेहतरीन माइलेज देती है सेगमेंट में। ध्यान दीजिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये सारे माइलेज फिगर जो है वो आपको तभी मिलेंगे जब आप गाड़ी को 60 के आसपास की स्पीड चलाओगे, प्रॉपर टाइम पे गियर चेंज करोगे, क्लच का इस्तेमाल कम करोगे, ब्रेक ज़्यादा नहीं लगाओगे, एक्सेलेटर जो है वो धीरे से गाड़ी को धीरे से पिकअप करोगे, एकदम से पिकअप नहीं लोगे। इन सब चीज़ों की आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और ये रियल लाइफ फिगर है जो कि सच में आपको गाड़ियों से मिल सकते हैं अगर आप प्रॉपरली उन्हें चलाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, ये माइलेज वाली कि कौन कितना माइलेज दे रहा है। पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने उन सब दोस्तों को जो माइलेज के लिए कोई बाइक देखना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने पिताजी वगैरह के साथ में जो कि माइलेज वगैरह फ्यूल इकोनॉमी एवरेज वगैरह के हिसाब से बाइक देख रहे हैं। और तो मैं आपके लिए रोज ऑटोमोबाइल से रिलेटेड देखना है कैसी वीडियो लाता रहा हूँ। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।